अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप हर तजुर्बा हाथ जलाकर करते हैं, तो आपका जवाब होगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुआं आग लगने के बाद खोदना शुरू करते हैं, तो आपका जवाब होगा ना। लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी हैं तो आपका जवाब होगा हाँ। अब कर्नाटक इलेक्शन को ही लीजिए। फ्रैक्चर्ड मैंडेट आने के बाद कांग्रेस ने आनन फानन में जेडीएस को समर्थन दिया। ना सिर्फ समर्थन दिया बल्कि कुमारास्वामी को मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया। अब जरा बताइए कि ये किसे नजर नहीं आ रहा था कि चुनाव से पहले हुआ कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन बीजेपी को हराने की चाबी है। वैसा ही जैसा 2015 में नीतीश और लालू जैसे विरोधियों ने बिहार में किया था, या फिर यूपी के फूलपुर और गोरखपुर उपचुनावों में तो अखिलेश यादव और मायावती के साथ ने साबित कर दिया कि विपक्षी अपने स्वार्थ छोड़कर एक हो जाएं तो बीजेपी को उसके गढ़ में ही मात दी जा सकती है। लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस का वही पुराना अहम आड़े आ रहा था जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया। प्रीपोल अलायंस में जेडीएस के साथ सीटों का बंटवारा करना पड़ता, मंत्री पदों को लेकर भी कोई फॉर्मूला बनाना पड़ता, लेकिन मुख्यमंत्री का पद जाहिर तौर पर ना छोड़ना पड़ता। लेकिन भाई कांग्रेस है, जात भी गंवाएगी और भात भी ना खाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी ने यह रवैया ना छोड़ा तो उसे हर उस राज्य के विधानसभा चुनाव में मात खानी पड़ेगी जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है। महाराष्ट्र में अगर ये मान भी लिया जाए कि शरद पवार की एनसीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो ही जाएगा, लेकिन क्या आंध्र प्रदेश में कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू को चुनाव से पहले ये भरोसा दिला पाएगी कि टीडीपी सूबे की बड़ी पार्टी है, आप लीडरशिप कीजिए, हम पीछे चलेंगे। इसी तरह राज्यवार चुनावों में बीजेपी के खिलाफ सीधी लड़ाई के लिए कांग्रेस तेलंगाना में केसी राव की टीआरएस, तमिलनाडु में करुणानिधि की डीएमके और उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेडी की अगुवाई में चुनाव लड़ना स्वीकार कर पाएगी। हो सकता है कि उसके बाद ये तमाम दल केंद्र में राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार कर लें। हालांकि कुमारास्वामी को मुख्यमंत्री पद की पेशकश करके कांग्रेस ने शान जाए पर अकड़ न जाए की अपनी पुरानी छवि को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसे ये बार बार करना होगा ताकि संभावित सहयोगियों में यकीन बन सके और बढ़ सके। मसलन ममता बनर्जी केंद्र में बीजेपी के खिलाफ अलायंस ऑफ इक्वल्स यानी गठबंधन में सभी बराबर की सिफारिश करती हैं, लेकिन उनके पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस टीएमसी के साथ लड़े या लेफ्ट के साथ मिलकर ममता विरोधी वोट को डिवाइड करे, ये तमाम रणनीतियां आपसी अंडरस्टैंडिंग से बनानी होंगी और वो भी वक्त से। बेहतर होगा कि कांग्रेस कर्नाटक की उठापटक से सबक ले। हमेशा आग लगने के बाद ही कुआं खोदना कोई समझदारी नहीं है, खासकर उस पार्टी के लिए जो हर मंच पर अपने 130 साल पुराने इतिहास का दंभ भरती है और देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है।